Hi guys, welcome back to another video of Economics on Your Tips. भाई और बहनों, Economics on Your Tips की अगली वीडियो के अंदर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज बात करने वाले हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर। यह है पार्ट नंबर टू, यानी कि इससे पहले एक पार्ट हो चुका है, तो नहीं देखा ना तो क्या ही कर रहे हो जाके, अभी फटाफट से जाओ और उसको देख लो। जहां पर ये ऊपर आई बटन लगा देना भाई, ठीक है ना, आई बटन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने बात कर ली है कि एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था जब हम आजाद हो रहे थे। आज हम बात कर रहे हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा है जब हम आजाद हो रहे थे, मतलब अंग्रेज आ गए, 190 साल उन्होंने हमारे ऊपर राज कर लिया, फिर हमने उनको लतेड़ लतेड़ के भगाया। ठीक है, हमने लतेड़ लतेड़ के भगा दिया। अब जब हमने भगा दिया तो भगाने के बाद क्या हुआ, हम जब पीछे मुड़ के देखे कि उन्होंने 190 साल क्या किया, तो इंडस्ट्रीज की हालत कैसी थी, तो चलिए देखते हैं इंडस्ट्रीज की हालत कैसी थी। हम प्रसिद्ध थे, हम बहुत प्रसिद्ध थे अपनी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को लेकर, पर उन्हें यह बात पता थी कि हम प्रसिद्ध थे। तो क्या हालत करी, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले उन्होंने जो काम किया वो था डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को तोड़ने का काम किया। अब उन्होंने हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को तोड़ने के लिए टू फोल्ड स्ट्रैटेजी लगाई, दो दोहरी तलवार से उन्होंने हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को तोड़ दिया। तो ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल ब्रिटिशर्स सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉयड इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री एंड फोर्स्ड द पीपल टू इंडल्ज इन एग्रीकल्चर सेक्टर और सम अदर सेक्टर। ठीक है, वो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री से निकाल कर, जो प्राइमरी इंडस्ट्री में लगे हुए थे, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री से निकाल कर प्राइमरी इंडस्ट्री की तरफ आगे बढ़ाया कि भैया आप एग्रीकल्चर सेक्टर में जाओ, एग्रीकल्चर सेक्टर में जाओ, और जो नहीं एग्रीकल्चर सेक्टर में नहीं जा रहा था उनको पुलिस में भर्ती करा, थोड़े तगड़े हो जाओ और बोले पुलिस में भर्ती हो जाओ हमारे साथ। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, टू फोल्ड के साथ हमें तोड़वाया। कैसे, सबसे पहला उन्होंने काम किया कि इंडिया को बनाया सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल बेचोगे और फाइनल प्रोडक्ट खरीदोगे जो कि ब्रिटेन से आएगा। इसमें नुकसान क्या है, ध्यान से समझना, एक बहुत खतरनाक काम किया इन्होंने। ठीक है ना, गुस्सा तो आ जाता है पर क्या ही करें, हम उस समय नहीं थे, हमारे भारत के लोग इतने समझदार। तो उन्होंने क्या किया, जस्ट फॉर एग्जाम्पल मान लो ये क्या है, पेड़ है। अब यहां से ये पेड़ भारत के अंदर है, इस पेड़ से क्या करा हमने, लकड़ियां काटी। क्या करी, लकड़ियां काटी। मान लेते ये जो लकड़ी है इसको उन्होंने खरीदा 10 रुपए के 100 किलो, 10 रुपए के 100 किलो, उसको वो ले गए यहां से डायरेक्ट ब्रिटेन, ब्रिटेन में बनाया उसका फर्नीचर, और फर्नीचर यहां लाके उसी 100 किलो लकड़ी के बराबर के फर्नीचर को इंडिया में लाके बेच डाला, और उसकी जो रेट लगाई वो लगाई इन्होंने 5,000 रुपए। क्या लगाई, 5,000 रुपए, मतलब यही लकड़ी यही पेड़ जो हमारा था वो घूम के हमको ही पड़ा 5,000 रुपए में, और हमने उससे कितना कमाया, सिर्फ 10 रुपया। तो हम क्या बने, रॉ मटेरियल के सप्लायर बने। किसके, रॉ मटेरियल के सप्लायर बने कि भैया आपके यहां से रॉ मटेरियल जाएगा और आपके पास ब्रिटेन में बनने वाला फिनिश्ड प्रोडक्ट जो है वो आपके शहर में आपके देश में आएगा। इससे हमारे पास जो पैसा था वो धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो गया, हमारी जेबों से पैसा निकलने लग गया। हम लोग मेहनत करके रॉ मटेरियल लेकर आते थे और उसको वो ले जाते थे ब्रिटेन में, छोड़ दिया और छोड़ के उसका कुछ बना बनू के वो वापस उसको लेकर आ जाते थे। क्लियर हो गया बाल को, समझ में आ गया, आगे बढ़े। अब देखो, तो सबसे पहला काम तो इन्होंने क्या किया, टू फोल्ड स्ट्रेटेजी के बारे में, सबसे पहला तो हमें बनाया रॉ मटेरियल का सप्लायर, और उसके बाद हमारे यहां डेवलप कर दिया ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट का मार्केट। अब ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट का मार्केट कैसे डेवलप किया उन्होंने, देखो यार सीधी सी बात है, आज आप वो हम हैं, आप किसको फॉलो करोगे, उस व्यक्ति को जिसके पास कुछ नहीं है या उस व्यक्ति को जिसके पास सब कुछ है। तो सीधी सी बात है, उन्होंने यहां पर ब्रिटिश मार्केट को बढ़ाना शुरू किया, क्योंकि ऐसा दिख रहा था भाई जो जो राज कर रहा है वो बोले मस्त शर्ट में और मस्त सूट में बैठा है, और जिसके ऊपर राज कर रहा है जो प्रजा है वो धोती कुर्ते में बैठी है। तो जो यंगस्टर्स थे वो धीरे धीरे कन्वर्ट होते गए कि हम तो सूट पहनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट काम जो किया वो था डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। उन्होंने बहुत गंदी टैरिफ पॉलिसी लगाई, टैरिफ का मतलब होता है बालक टैक्स, इसको याद रखिए।
ठीक है, तो बहुत गंदी टैक्स पॉलिसी उन लोगों ने यहां पर लगाई। कैसे? सबसे पहला, फ्री ट्रेड और अनरिस्ट्रिक्ट एंट्री ऑफ ब्रिटिश गुड्स। अगर ब्रिटेन से कोई माल भारत आ रहा है तो उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई इंपोर्ट टैक्स नहीं लगेगा, किसी प्रकार का कोई एक्साइज ड्यूटी नहीं लगेगा। मतलब बाहर अगर सामान 100 रुपए का बन रहा है तो यहां पर 100 रुपए का ही आएगा, वो एक सिंगल पैसा और नहीं चढ़ेगा। बट और साथ साथ देखो, आने में सस्ता, साथ साथ में अगर आप ब्रिटेन रॉ मटेरियल भेज रहे हो तो भी कोई टैक्स नहीं है। मतलब ब्रिटेन से माल आ रहा है तो भी टैक्स फ्री, जा रहा है तो भी टैक्स फ्री। कौन सा? ध्यान से समझना, रॉ मटेरियल जा रहा है तो टैक्स फ्री है। अगर हमारे यहां पर हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट जा रहा है ब्रिटेन तो उस पर लगेगा टैक्स। कैसे? ध्यान से समझना, मान लो 100 रुपए का कोई सामान बनाया, ठीक है, हाथ से कोई चद्दर बनाई, मस्त बना बनो के, उसके ऊपर उन्होंने बोला बोले 500 रुपए का टैक्स लगेगा। ऑटोमेटिकली ब्रिटेन पहुंचते पहुंचते इतनी हो गई उसकी कॉस्टिंग। अब ब्रिटेन में माल भली 300 का बने, वो ज्यादा सस्ता है, हमारा माल 600 का पड़ रहा है, भली उसकी कॉस्टिंग 100 रुपए, हमारे आदमी 100 रुपए ही कमा रहा है, पर फिर भी 500 रुपए टैक्स के फॉर्मेट में लिए जा रहे हैं। इससे क्या हुआ? बाहर के देशों के अंदर इंडियन प्रोडक्ट्स जो हैं उनकी डिमांड कम हो गई। क्यों? क्योंकि बहुत महंगे आते थे। बट एक चीज याद रखना कि भारत का जो कपड़ा होता था वो बड़ा अल्टीमेट, बड़ा क्लासी होता था। ऐसा कहते थे, एक छोटी सी बोलो रिंग, मतलब अंगूठी लो, मैं अभी नहीं हुई, अभी कवारे हैं, अभी तो हम जवान है, हाँ जी, अंगूठी लो और अंगूठी से आप पूरी की पूरी चद्दर पास कर देते थे। मतलब इतना शानदार, इतना मुलायम कपड़ा भारत का होता था, तो वो वहां के सिर्फ राजा महाराजा ही अफोर्ड कर पाते थे और वही पहनते थे, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या हुआ, इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री पूरी तरीके से खत्म होने लगी, कंप्लीटली इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को उन्होंने इतना गंदे तरीके से तोड़ दिया कि हमारे यहाँ हैंडीक्राफ्ट वाले लोग जो हैं वो आपको देखने को मिल रहे हैं कि कहीं, मतलब बहुत बहुत ही मिनिमम देखने को मिलते हैं भारत में हैंडीक्राफ्ट वाले लोग। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? आगे समझो, अगला जो काम था जिसकी वजह से भारत की इंडस्ट्रीज टूट रही थी वो थे हमारा मशीन मेड प्रोडक्ट से कंपटीशन। अब भारत के लोग कैसे काम करते थे? मशीनें तो थी नहीं उनके पास, क्यों? बोले खाने पीने का, हम तो भाई बस जिंदा रहने के लिए जी रहे थे ना, हम तो खुशी से जी रहे थे चौड़ में, ठीक है, बट कमाने के लिए तो वो लोग आए थे, ठीक है। तो हमारे यहां पर मान लो चद्दर है, ठीक है, हमारे यहां पर चद्दर बनती थी 6 महीने के अंदर, मस्त शानदार तरीके से 6 महीने के अंदर चद्दर बनती थी, ठीक है। उस चद्दर की कॉस्टिंग मानते 200 रुपए थी 6 महीने तक, कोई व्यक्ति अगर 4 लोग काम कर रहे हैं तो 200 रुपए तो लेंगे 6 महीने के अंदर। अब यहां पर ब्रिटेन से आ गई मशीनें, अब मशीनें अब यहां पर आई तो वो 6 महीने की जगह चद्दर 6 मिनट के अंदर वो लोग तैयार करके दे देते थे और उसका जो प्राइसिंग होता था वो होता था 80 रुपए। समझे हो? यहां 6 महीने का वेटिंग पीरियड है, 200 रुपए लगेंगे, यहां 6 मिनट के अंदर आपको चद्दर जो है आपके हाथ में मिल जाएगी, उसका प्राइस भी होगा वो बहुत कम होगा। जो लोग भारत से प्यार करते थे वो अपनी जेब से भी प्यार करते थे और इसी वजह से इंडियन प्रोडक्ट जो थे वो बाजार से धीरे धीरे खत्म हो गए। द प्राइड ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री स्टार्टेड टू डिक्लाइन व्हेन इट फेस्ड द कॉम्पिटिशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट। जब मशीन मेड प्रोडक्ट उनका कंपटीशन आया, क्यों? क्योंकि वो बड़े सस्ते मिलते थे और बहुत इजीली अवेलेबल हो जाते थे मशीन के प्रोडक्ट। इंडियन क्राफ्टमैन वर फार बिहाइंड द मशीन ऑफ स्पीड ऑफ मशीन। भारत का जो व्यक्ति था वो उसकी स्पीड से कहीं मैच नहीं, यार मशीन तो मशीन है ना, उससे कहीं मैच कर पाएंगे हम लोग, ठीक है। एंड हैज द अल्टरनेट, द ओनली अल्टरनेट अवेलेबल इज टू शट डाउन देयर एंटरप्राइज। फिर वो ले दे क्या करते थे, बस अब कुछ नहीं कर सकते, बंद कर दो, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, हमारे यहाँ कैपिटल गुड इंडस्ट्री नहीं थी। कैपिटल गुड इंडस्ट्री का मतलब होता है वो इंडस्ट्री जो कि कैपिटल गुड यानी कि मशीन बनाने में सक्षम हो। अब तो हमारे भारत के अंदर बहुत सारी कैपिटल गुड इंडस्ट्री बन गई है, बट उस समय हम यहां पर मशीन नहीं बना सकते थे। अब जब हम मशीन बना नहीं सकते थे तो हमें हर मशीन को इंपोर्ट करना पड़ता था, बाहर से मंगाना पड़ता था, हमारा जो करेंसी है वो बाहर चली जाती थी। ड्यूरिंग कोलोनियल रूल देर वॉज नो कैपिटल गुड और वेरी मिनिमम कैपिटल गुड इंडस्ट्री एग्जिस्ट। मोर ओवर ब्रिटिशर्स डोंट इवन पे एनी अटेंशन फॉर प्रमोटिंग और फॉर सपोर्टिंग दीज इंडस्ट्री, क्योंकि उनका मानना यह था कि भारत के लोगों को उतना ही सिखाओ जितना इन्हें जीने के लिए और
हमारे यानी ब्रिटिशर्स के काम आने के लिए जरूरी है, इससे ज्यादा उन्हें कुछ भी नहीं सिखाना है। समझ में आ गया, क्लियर है। अब ब्रिटिशर बड़े जिद्दी थे, हर चीज को वो लेकर आते थे। अब उन्होंने एक नया चलन शुरू करा, जैसा अभी मैंने आपको बताया कि हम लोग किसे फॉलो करते हैं, हम उसे फॉलो करते हैं जिसके पास पैसा होता है, हम उसे फॉलो करते हैं जो कि हमारी लाइफस्टाइल से एक पायदान ऊंचा होता है, हम हमेशा उसको फॉलो कर रहे हैं। तो यहां पर जो हमारा युद्ध था, उस पूरे युद्ध का माइंड उन्होंने इंस्टेंटेनियसली कन्वर्ट किया थ्रू मेनी डिफरेंट थिंग्स, बहुत सारे कार्य करके उन्होंने कन्वर्ट कर डाला। धोती का ट्रेंड हटा रहे थे, पेंटों का ट्रेंड ला रहे थे, ठीक है, जूतियों का ट्रेंड हटा रहे थे, जूतों का ट्रेंड ला रहे थे, ऊपर कुर्ते का ट्रेंड हटा रहे थे, शर्ट का ट्रेंड ला रहे थे, समझ रहे हो, मूंछों का ट्रेंड हटा रहे थे और चिकनों का ट्रेंड ला रहे थे, ठीक है। तो ये सारा ट्रेंड क्या हुआ, उन्होंने धीरे धीरे कन्वर्ट किया। समझना, उनका जितना भी ट्रेंड था सब कुछ कॉस्टली था। अगर आपको चिकना रहना तो शेविंग करानी पड़ेगी, शेविंग कराना है तो मतलब खर्चा आपका नया बढ़ गया, ठीक है। तो उन्होंने पैटर्न ऑफ डिमांड को धीरे धीरे बदल दिया, सस्ता भी मिल रहा है, दिखने में भी अच्छा लग रहा है। अच्छा क्यों लग रहा है, क्योंकि बड़े लोग वही पहन रहे हैं, ठीक है। द इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश कल्चर स्टार्टेड टू अराइज टू द पब्लिक, एज अ रिजल्ट न्यू क्लास इमर्ज्ड इन इंडिया विच वॉज कीन टू अडॉप्ट द वेस्टर्न लाइफस्टाइल। ऐसी क्लास भारत के अंदर जनरेट होने लग गई जो कि वेस्टर्न लाइफस्टाइल को पकड़ रही थी और उसको अडॉप्ट कर रही थी, और इस वजह से हमारा जो पैटर्न ऑफ डिमांड था वो हमारे लोगों को ही खाने लग गया, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट जो थे उस पैटर्न ऑफ डिमांड के हिसाब से नहीं काम कर सकते। और ब्रिटिशर बहुत चालाक थे, उनको एक बात तो समझ में आ रही थी, वो बात ये थी कि हमने फैक्ट्री तो खोल दी पर अब वो माल पूरे भारत में कैसे पहुंचेगा, हम हर शहर में तो फैक्ट्री खोल नहीं सकते। तो उन्होंने दिमाग लगाया और एक ऐसी चीज बनाई जो आज भारत की जान है, हमारा मान है और हमारा सम्मान है, जिसका नाम है रेलवे। उन्होंने रेलवे का गठन करा, पर रेलवे जब हम आजाद नहीं हुए थे हमारे लिए नेगेटिव था, क्यों, क्योंकि पहले तो जिस एरिया में फैक्ट्री है उसी एरिया के क्राफ्टमैन को प्रॉब्लम होती थी। अब जैसे ही उन्होंने रेलवे बना दी तो बोले दिल्ली में चाहिए, राजस्थान में फैक्ट्री है, राजस्थान की फैक्ट्री बोले लोड करा रेलवे में और पहुंचा दिल्ली तक फटाफट। अब भाई पहुंचने में ज्यादा से ज्यादा एक दिन, बिल्कुल धीरे धीरे भी चले तो भी एक दिन। अब वहां 6 महीने में चादर बन रही थी, उन्होंने एक दिन में अवेलेबिलिटी करवा दी। क्या हो गया, हर जगह से, भारत के कोने कोने से हमारे आर्टिशन, हमारे क्राफ्टमैन खत्म होने लग गए और हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर बिल्कुल भी डेवलप नहीं हो पाया। समझ में आ गया बालको? तो ये था आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर एट दी ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, की जब हम आजाद हो रहे थे हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था। कल हम बात करेंगे हमारा फॉरेन सेक्टर कैसा था और हमारी डेमोग्राफिक कंडीशन कैसे थी, मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ जो थी वो किस प्रकार से कार्य यहां पर कर रही थी। बालको अगर अब तक आप लोग मेरे साथ मेरे ब्रह्मास्त्र प्रीमियम में नहीं जुड़े हो तो जुड़ने के लिए आ रहा एक सुनहरा मौका, यानी कि हम कराने जा रहे हैं प्री एग्जाम टेस्ट सीरीज, टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट वापस होने वाले हैं, वीकली एमसीक्यू टेस्ट होने वाले हैं, बैचेस ऑफ 500+ एजुकेटर्स आपको देखने को मिल रहा है। एक ऐसा एमसीक्यू पैटर्न मैं जनरेट कर रहा हूं जिसके अंदर करीब 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स एक साथ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, जहां पर आप बोर्ड एग्जाम देने से पहले 1,000 बार उस बोर्ड एग्जाम को दोगे, एंड दैट टू कंप्लीटली लाइव, जहां पर चलेंगी आपकी रैंकिंग और पता चलेगा कौन कितना सक्षम है। ब्रह्मास्त्र प्रीमियम बैच चल रहा है और उसके अंदर जिस भी बच्चे को एनरोल होना है, बालको आपको कोड लगाना है विद द नेम ऑफ गौरव जे। जैसे ही आप ये कोड लगाते हैं वैसे ही आप आ जाते हो एक ऐसी आर्मी में जिसने कॉमर्स वालों का नक्शा बदल डाला है, भारत की सबसे बड़ी आर्मी बन गई है जिसको कहते हैं हम गौरव सर की नो डाउट आर्मी। सपना एक है कि 8,000 बच्चों का लाइफ बदलना है। उन 8,000 बच्चों ने जिंदगी में अगर एक बार भी ये सोचा है कि सर 12वीं क्लास में ना पूरे नंबर लाने, सबको अड़ोसी पड़ोसी सबको दिखा देना है कि मेरे अंदर टैलेंट है,
ऐसे 8,000 स्टूडेंट्स को मैं लेकर आया हूं और ऐसे 8,000 बच्चों को पढ़ाने के लिए इस कॉन्सेप्ट को हम लॉन्च कर चुके हैं। ऑलरेडी हजारों की संख्या में बच्चे आ चुके हैं और रोज स्टूडेंट एनरोल हो रहे हैं। आप हो सकता है कि थोड़ा लेट हैं, पर इट्स बेटर लेट देन नेवर। कहीं ऐसा ना हो कि जब समय बीत जाए तब हम ये सोचे कि यार कर सकता था, मौका भी था, ऑप्शन भी था और कोई समझा भी रहा, पर शायद किसी YouTube वीडियो को देखकर, शायद जो व्यक्ति आज तक एनरोल तक नहीं हुआ उसकी बात को सुनकर मैंने गलत डिसीजन ले लिया। यार बात बड़ी सिंपल है, ब्रह्मास्त्र प्रीमियम में एनरोल होने के बाद आपकी पढ़ाई की जिम्मेदारी मेरी होती है। आपकी पढ़ाई की जिम्मेदारी हमारे 500 से ज्यादा टीचर्स के ऊपर डाल दी जाती है, जिनका काम होता है कि रोज बच्चों को पढ़ाएं और उनको ऐसी ऐसी ट्रिक्स, ऐसी ऐसी टेक्निक सिखाएं जिसकी मदद से वो बच्चा टॉप करेगा। आप लोगों की भारी डिमांड के लिए जब हमने ब्रह्मास्त्र प्रीमियम लॉन्च करा, इतने स्टूडेंट ने एनरोल किया कि मैंने खुद ने उम्मीद नहीं की यार इतनी बड़ी संख्या के अंदर बच्चे हैं। एक महीना हो गया है, एक महीने के अंदर मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही कि ये पहला कॉमर्स का ऐसा बैच होगा जो कि 100% 5-स्टार रेटिंग से चल रहा है और हर एक बच्चा यहां पर आके सेटिस्फाइड है। और कमाल की बात पता है क्या है कि अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे बोलूं कि 1500 बच्चे पहली तारीख को थे, आज बढ़ते बढ़ते 2000 हो गए, तो वो 2000 बच्चे हर एक क्लास अटेंड कर रहे हैं और आज उनका कॉन्फिडेंस लेवल कुछ इस लिमिट पर पहुंच गया है कि मुझे उनको देखकर गर्व होता है कि कुछ बेहतर कर दिया। आपके लिए लॉन्च करने जा रहा हूं एक नया बैच, ब्रह्मास्त्र प्रीमियम क्रैश कोर्स बैच। ये एक ऐसा बैच होने वाला है जिसमें अगर आप पहले से एनरोल हैं तो आप इसके अंदर एनरोल हो जाएंगे। यू डोंट हैव टू पे इवन सिंगल पेनी टू इट, एक सिंगल पैसा नहीं देना, आप इस बैच के अंदर ऑटोमेटिकली एनरोल हो जाओगे। और अगर आप अब आना चाहते हैं तो बालकों ब्रह्मास्त्र प्रीमियम में जितना कुछ भी पढ़ाया गया है वो सब आपको फ्री में मिलेगा और ब्रह्मास्त्र प्रीमियम का क्रैश कोर्स आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा। और साथ साथ में ये टर्म वन तक सीमित नहीं है, मैंने कहा ना 8,000 बच्चों की जिंदगी बदल दूंगा, ये कोर्स टर्म टू में भी चलेगा। यानी ब्रह्मास्त्र प्रीमियम फॉर टर्म टू भी लॉन्च होगा, ब्रह्मास्त्र प्रीमियम क्रैश कोर्स फॉर टर्म टू भी लॉन्च होगा और इस कोर्स के बाद ब्रह्मास्त्र प्रीमियम कंपटीशन बैच भी हम लोग लॉन्च करने जा रहे होंगे। तो अगर अब तक आप एनरोल नहीं हो, बालक कोड इस्तेमाल करें गौरव जे और एनरोल हो जाएं, क्योंकि ये कोड नहीं है, ये कॉमर्स वालों का नाम है, उनकी पहचान है। ठीक है, एनरोल करने के लिए आपको बहुत छोटा सा काम करना है, ये बैच अनअकैडमी प्लस और आइकॉनिक पे स्ट्रीम हो रहा है लाइव क्लासेस के थ्रू। तो अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो आपको कोड इस्तेमाल करना है गौरव जे, 10% ऑफ मिलेगा, नो डाउट आरवी में आ जाए। तो सब्सक्रिप्शन जो आप लेंगे वो सोच थोड़ा सा लंबा लें, एटलीस्ट गो फॉर 9 मंथ, 9 महीने का आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो टर्म टू तक हम लोग आ जाएंगे। लेने को आप 3 महीने का भी ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अगर आप प्लस का लेते हैं तो थोड़ा सा सस्ता पड़ता है और ये भी आप 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने जितना भी आप लेना चाहें वो ले सकते हैं, पर ऑलवेज गो फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। शॉर्टर लोगे कुछ नहीं होगा, पहले इस्तेमाल करें फिर विश, नौटंकी नहीं चाहिए, पढ़ना है तो पढ़ना है। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक गाइस कीप ऑन वाचिंग, गुड नाइट, बाय।